अब बीजेपी की राम दर्शन यात्रा अब शुरू होने वाली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े नेता और बीजेपी के मुख्यमंत्री अयोध्या जाएंगे। 29 जनवरी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये यात्रा संभव मानी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या जा सकते हैं और 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री 4 मार्च को अयोध्या जाएंगे। 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ समेत यूपी की पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को रामलला के दर्शन के लिए जाने की ये जानकारी निकलकर सामने आई है। तो देखिए, बीजेपी की राम दर्शन यात्रा की जानकारी हमने आपसे साझा की है। अखिलेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, अब बीजेपी की राम दर्शन यात्रा बाकायदा अब शुरू होने जा रही है। हमने पूरी सूची बताई है कि किस तरीके से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर है और उसके लिए तैयारी भी की जा रही है। बिल्कुल, 2 महीने का ये देशव्यापी अभियान है जो बीजेपी छेड़ने जा रही है। 25 मार्च तक ये अभियान चलेगा। इसके तहत हर बूथ से बीजेपी की कोशिश होगी कि जो कार्यकर्ता है, साथ ही जनता है, वो विशेष ट्रेनों के माध्यम से अयोध्या जाए और वहाँ पर दर्शन करें। इन्हें इसके लिए जो किराया है वो खुद अपना देना होगा, लेकिन बाकी व्यवस्थाएँ बीजेपी की ओर से की जाएंगी। केंद्रीय मंत्रियों को भी निर्देश दिया गया है कि वो अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में इन विशेष ट्रेनों को रवाना करें और संभव हो तो इन्हीं में यात्रा करके अयोध्या जाएं और वहां पर दर्शन करें। इसके साथ साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बारे में बताया गया कि वो 29 जनवरी को अयोध्या जाकर बालक राम के दर्शन कर सकते हैं और इसके बाद जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके अयोध्या जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वे सभी मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट के सहयोगियों के साथ अलग अलग दिनों पर रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। उदाहरण के तौर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ 31 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। इसके बाद 1 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ अयोध्या जाएंगे। 2 तारीख को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ वहां जाएंगे। 4 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह वहां पर जा सकते हैं और उसके बाद 5 तारीख को महाराष्ट्र की कैबिनेट वहां पर जाएगी। तो इस तरह से पूरा कार्यक्रम तैयार किया गया है। हर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री का दिन मुकर्रर कर दिया गया है और सबसे आखिर में मार्च के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ बालक राम के दर्शन करेंगे। तो अगले 2 महीने तक ये बड़ा अभियान बीजेपी चलाएगी और इसके पीछे कोशिश यही है कि जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है उसको लेकर के जो माहौल पूरे देश में बना है वो बना रहे और लोकसभा चुनाव तक लोग याद रखें कि किस तरह से बीजेपी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की है और जो बीजेपी का अपना एक चुनावी वादा था राम मंदिर बनाने का उसको पूरा किया है।